नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। टीवी के सुपरस्टार करण पटेल का शो ये है मोहब्बतें बंद हो रहा है। ऐसे में hindiraj.com से एक्सक्लूसिव बात करते हुए करण पटेल ने अपने दिल की इच्छा हमारे साथ शेयर की है। हमने करण से पूछा कि आपको शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। जवाब में करण कहते हैं, शाहरुख खान के साथ फिल्म करना बहुत ही किस्मत वाली बात है। सबसे पहले तो अगर मुझे पता चलता है कि मुझे शाहरुख खान के साथ साइन किया गया है तो मैं कोमा में चला जाऊंगा। वे मुझे बहुत पसंद हैं, मैं कोई भी रोल करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुंह में फूल रख के गमला ही क्यों ना मुझे बनना पड़े। हिना खान की एक तस्वीर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वे अपना सेक्सी बैक दिखा रही हैं। इन दिनों हिना अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए लुक बदल रही हैं और हर लुक में वे दिलकश दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इन ताज़ा तस्वीरों में वो स्ट्रेट बालों में नजर आ रही हैं और उनका लुक दिल को छू लेने वाला लग रहा है। आपको बता दें कि हिना खान हॉटनेस के साथ साथ अपनी क्यूटनेस से भी लोगों को दीवाना बना देती हैं और फिलहाल इस तस्वीर में वो लेटे हुए पोज दे रही हैं। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। गाने में सपना चौधरी हरियाणवी गाना घूंघट की ओट पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके डांस को देखने के लिए स्टेज के आसपास काफी संख्या में भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिग बॉस 13 की गिरती टीआरपी की वजह से सलमान खान का मन बिग बॉस से हटता जा रहा है। यही वजह है कि वे मन बना रहे हैं जल्द से जल्द इस शो को अलविदा कहने के लिए। वैसे बहाना ये मारा जा रहा है कि सलमान खान के पास फिल्मों की शूटिंग करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए वे बिग बॉस को होस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब मिल रही जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 13 को होस्ट करने की जिम्मेदारी सलमान खान अपनी बहुत ही करीबी दोस्त फरहा खान को देने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि सलमान खान बिग बॉस से बाहर हो जाएं? छोटे पर्दे के कॉमेडी शो में आई कमिन मैडम और सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 12 की पूर्व कंटेस्टेंट नेहा पेंड से लंबे समय से बॉयफ्रेंड शार्दुल सिंह को डेट कर रही हैं। नेहा ने इस साल अगस्त में शार्दुल सिंह से सगाई कर हर किसी को हैरान कर दिया। नेहा पेंड से आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नेहा अपने शार्दुल सिंह से अगले साल 5 जनवरी को शादी करने वाली हैं। शादी की बात पर बात करते हुए नेहा ने कहा कि उनकी शादी पुणे में होगी। सगाई की तरह शादी में भी करीबी दोस्त और परिवार वाले ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज जो ट्रेंड में भी चल रही है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी रश।